Arrange the following compounds in decreasing order of their boiling point: butanol, butanamine, and butane. Your butanol. Butanol is CH3, CH2, CH2, CH2OH. This is butanol. And butanamine is this. Butanamine is this. CH2, 1, 2, 3, 4, CH2. And this is butane. CH3, CH2, CH2, CH2. CH2CH3 ये ब्यूटामाइन ये ब्यूटानॉल। इसमें क्या है ना, वो पूछ रहा है कि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट मैंने सबसे ज़्यादा किसी का है, सबसे कम किसी का है, उसका डिक्रीज ऑर्डर में लिखना है। अभी क्या है ना, बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, उल्टा मोलिकुलर मास के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं तो इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम टाइप का फंक्शनल ग्रुप रहता है तो उसमें मोलिकुलर मास का कंपैरिजन आ जाता है। अभी इसमें ब्यूटेन में फंक्शनल ग्रुप नहीं है और इसका मोलिकुलर मास तीनों में सबसे कम है, इसीलिए ये सबसे कम है इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसको तीन दे रहा हूँ। अभी बाकी जो है ना, ब्यूटानॉल और ब्यूटानामिन के इसमें हम कंपेयर करेंगे। इसमें कंपेयर करेंगे दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होता है? NaOH, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन जिसमें रहेगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। जो ये ब्यूटानॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी है फैक्टर, CH3, CH2OH, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहा CH2, 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 CH3, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसमें ब्यूटानामिन में भी ऐसे ही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, ऐसा नहीं ये हो गया CH, ये हो गया N, ये हो गया H, ये H हाइड्रोजन बॉन्डिंग H के साथ, दिस इज NH CH2 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 CH3। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन डिफरेंस है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है ना, ये मैं इसको रीडिंग में देखा देता हूँ, ये ज़्यादा स्ट्रांग है। क्यों है मालूम है ना, ये जो ऑक्सीजन आटम होता है ना, वो नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम इन्वॉल्व होगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा तो वो दोनों बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा ताकत लगेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो ब्यूटानॉल है ना वो सबसे ज़्यादा है, वो 1 में जाएगा और बाकी जो है ना ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा। इसका मतलब 1 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3। अब इसके जगह में मॉलिक्यूल लिख देने से कितना होगा, ये CH3CH2CH2CH2OH ब्यूटानॉल इज ग्रेटर देन ब्यूटानामिन, CH3CH2CH2CH2NH2 ये ब्यूटानामिन और ये ब्यूटेन हो गया CH3CH2CH2CH3। ओके, थैंक यू।